It's me, Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 3.1. The statement of the question is find CP. यानी CP का ये मतलब है कि cost price find out करनी है, जबकि SP यानी कि selling price जो है वो हमें given है जो कि 670 rupees है, और इसके ऊपर profit जो है वो भी given है जो कि 5% है. So अब जब हमने cost price find out करनी होती है, तो cost price find out करने के लिए जो normally formula use होता है, ये होता है 100 over 100 plus profit का profit की percentage multiplied by selling price. So सबसे पहले तो यहाँ पे 100 over 100 plus profit की percentage इस वक्त 5% थी, so यहाँ 5 आ जाएगा multiplied by selling price SP जो के 672 rupees है. So ये 100 over 100 plus 5, so ये 105 आ गया multiplied by 672. ये 672 100 से multiply हो गया, so ये 672 over 105 आ गया. आप इन्हें जो है ना वो divide कर लें, ये आपके पास cost price जो है वो 640 rupees आपको मिल जाएगी. ये simple calculation है, आप calculator से इसे divide कर लें, ये 640 rupees आपको return करेगा, यानी 640 rupees इसकी cost price होगी. Next selling price जो है वो given है 851 rupees, loss इस पर जो है वो 8% है. तो अब जो है ना इसकी cost price हमने find out करनी है. जब loss होगा, देखें जब profit था तो profit addition में आता है, लेकिन जब लॉस होगा तो लॉस जो होगा वो सब्ट्रैक्शन में आएगा, माइनस में आएगा, रिड्यूस कर देगा, डिग्रेड कर देगा इसे जो है ना वो. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. सो 100 ओवर 100 माइनस लॉस की परसेंटेज जो है वो गिवन है 8, सो ये 8 यहां आ जाएगा multiplied by selling price जो है वो 851 है, so 851 यहां आ जाएगा. Simple, आप इसे 100 में से 8 जो है वो subtract करें, ये आपके पास 92 रह जाएगा. So 100 over 92 multiplied by 851, simple calculation है, आप calculator से इसे solve करें, ये आपको cost price जो है वो 925 rupees मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि 1755 रुपए है, इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट है वो तकरीबन 12.5% है, यानी आप इसे 1 ओवर 2 को आप 0.5 1 ओवर 2 सिंपल आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा. सो ये तकरीबन 12.5% इसका प्रॉफिट है. तो सिंपल कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आप यूज करें, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर, अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो 100 प्लस ये प्रॉफिट की परसेंटेज इसमें एडिशन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. सो 100 ओवर 100 प्लस 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 1755, ये 1755 जो कि सेलिंग प्राइस गिवन है. सो ये 100 ओवर 100 प्लस 12.5 ये आ जाएगा 112.5. सिंपल आप इसे कैलकुलेशन है, आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, यानी कि 175,500 डिवाइडेड बाय 112.5 जो कि आपके पास फाइनली ये रिटर्न करेगा 1560 रुपये, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस आपको पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसके अंदर सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है 2640 रुपये, इसके अंदर लॉस जो है वो 12% है. सिंपल आप इसके ऊपर जो है ना वो कॉस्ट प्राइस जो है इसको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आप इस पे अप्लाई करें, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस, क्योंकि अब लॉस है इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. सो ये 100 ओवर 100 माइनस, अब ये लॉस जो है वो 12% है, सो ये लॉस पर लॉस की परसेंटेज जो है वो 12 है. सो 100 ओवर 100 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो कि 2640 रुपए है. सो 100 ओवर ये 88 आ जाएगा, यानी 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88, और यहां पे ये 2640 ही है. सो आप इसे सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड करें,
सो ये आपको रिटर्न कर देगा 3000 आपको रिटर्न कर देगा, तो ये इसकी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर प्रॉफिट 33% का प्रॉफिट है, यानी 33.5 का प्रॉफिट है इसके अंदर। इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। सो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। सो 100 ओवर 100 प्लस 33.5, ये जो कि प्रॉफिट की परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस जो कि 100 है। सो 100 मल्टीप्लाई बाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 133.5। आप इसे सिंपली डिवाइड कर लें, ये आपको 75 रुपीज़ जो है वो रिटर्न करेगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी जगह कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ना वो हमारा फेसबुक का भी अवेलेबल है लिंक, और इसके सिंपल आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।